हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमहा XSR 155 के बारे में। XSR 155 की लॉन्च डेट, प्राइस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, XSR 155 यमहा की मोस्ट अवेटेड बाइक है जो इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। XSR 155 एक रेट्रो स्टाइल्ड नेकेड स्ट्रीट फाइटर मशीन है जिसका एक्सपेक्टेड लॉन्च था 2019, लेकिन BS6 नॉर्म्स की वजह से ये बाइक 2019 में लॉन्च नहीं हुई। सो दोस्तों, अभी इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2020। जुलाई के आसपास यमहा इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च करने वाली है, और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,40,000। 1.50 लाख एक्सशोरूम प्राइस के आसपास ये बाइक आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यमहा की XSR 155 MT15 और R15 V3 के साथ काफी सारे फीचर्स को शेयर करती है, और इस बाइक के अंदर वही सेम 155.1cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 18.5 PS की एट 10,000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14 Nm का एट 8,500 RPM विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। MT15 और R15 V3 के जैसे ही XSR 155 के अंदर भी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसी प्रीमियम फीचर्स भी हैं। सो दोस्तों, XSR 155 150cc सेगमेंट के अंदर एक रेट्रो स्टाइल वाली नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होने वाली है जिसके अंदर लिक्विड कूलिंग, 6-स्पीड गियर बॉक्स, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसे प्रीमियम कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यमहा अपने 155cc इंजन को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है क्योंकि यही सेम इंजन है नेकेड स्ट्रीट फाइटर MT15 में और फुली फेड R15 V3 में, और अभी रेट्रो नेकेड स्ट्रीट फाइटर XSR 155 में भी यही इंजन होगा। XSR 155 यमहा की तरफ से थर्ड बाइक है जो सेम डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है और सेम इंजन शेयर करती है। सो 2020 के मिड में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आ जाएगी। फीचर्स की अगर बात करें तो इस बाइक के इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, लेकिन इंडियन वेरिएंट के अंदर हमें इस बाइक के दो वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक वेरिएंट के अंदर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे और दूसरे वेरिएंट के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। XSR 155 में MT15 से सिमिलर 282mm की फ्रंट डिस्क है और 220mm की रियर डिस्क है। इस बाइक के इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर ड्यूअल चैनल ABS है, लेकिन इंडियन वेरिएंट के अंदर हमें इस बाइक में सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। अदर फीचर्स की अगर बात करें तो XSR 155 में राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है और राउंड शेप्ड स्मॉल टेल लाइट है। इस बाइक में राउंड शेप्ड कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। XSR 155 के इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर काफी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इंडियन वेरिएंट के अंदर हमें 2 या 3 कलर ऑप्शंस ही देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये थी सारी अपडेट XSR 155 के बारे में। ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर जुलाई 2020 में लॉन्च होगी जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,40,000। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।